हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करूंगा आईसीआईसीआई बैंक पीओ के 52nd बैच के ऑनलाइन टेस्ट के रिगार्डिंग। जी हाँ, ऑनलाइन टेस्ट का जो रिजल्ट है 52nd बैच का वो आ गया है। उसके साथ ही मैं बता दूं कि जो टेक्स्ट मैसेज आया है वो भी मैं आपको शो करूंगा स्क्रीन पे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे वो सेंड किया है स्क्रीनशॉट। साथ में उसमें एक लिंक दिया गया है जो कि ओपीक्यू टेस्ट का है, ठीक है। तो जो कि वो टेस्ट देना मैंडेटरी होता है, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, बट वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जिन लोगों को नहीं आया है टेक्स्ट मैसेज, या ऐसे कह लूं कि रिजल्ट नहीं आया है, उसके रिगार्डिंग भी मैं बात करूंगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो स्क्रीन पे, जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया है, ठीक है। ये टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप शॉर्टलिस्टेड हैं, ठीक है, और आपको एक मेल भी सेंड किया गया है, जो कि आपको आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम पे दिया होगा, तो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक ईमेल भी मिला होगा। हालांकि मुझे अभी तक ईमेल किसी ने सेंड नहीं किया है, ठीक है, या स्क्रीनशॉट मुझे किसी ने सेंड नहीं किया, तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूं। ये टेक्स्ट मैसेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सिलेक्शन के लिए है, साथ में ओपीक्यू टेस्ट जो आपका है, ठीक है। तो ओपीक्यू टेस्ट का जो आपको लिंक दिया गया है, तो उस लिंक के थ्रू आपको ओपीक्यू टेस्ट देना है। सबसे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी कि जिनको नहीं रिसीव हुआ है। तो देखो, जिनको टेक्स्ट मैसेज रिसीव नहीं हुआ है वो थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है कि कुछ लोगों को लेट में आएगा, या कुछ लोग डिस्क्वालीफाई भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सभी लोगों का सिलेक्शन होता है, सभी लोगों का नहीं होता है, कुछ लोग फेल भी करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं आया है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2-4 दिन आप वेट कर लो, और अगर तब भी नहीं आए तो आप उनको एक मेल करके पूछ लेना, ठीक है। आप उनको एक मेल कर लेना, उसके बाद फिर वेट करना, वो लोग आपको रिप्लाई कर देंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी बात करूं मैं आप ओपीक्यू टेस्ट के बारे में। तो देखो, ओपीक्यू टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और दूसरी बात मैं यहां पर ये क्लियर कर दूं कि बहुत लोग पूछते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा बहुत सारा, कि क्या टफ होता है। तो सबसे पहली बात कि ना ही इसका एग्जाम टफ होता है, ना ही ओपीक्यू टेस्ट टफ होता है। टफ अगर थोड़ा सा होता है तो वो आपका होगा ग्रुप डिस्कशन और थोड़ा सा पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा मतलब बड़े पैमाने पे इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत बेसिक्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूं ओपीक्यू टेस्ट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखो, क्वेश्चंस इजी रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बैच 50 के लिए एक वीडियो बनाया था इसी ओपीक्यू टेस्ट के रिगार्डिंग, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर के आप देख सकते हो। तो अब मैं बता दूं क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। देखो, क्वेश्चंस जो है आपके मतलब नॉर्मल डे जो होता है, ठीक है, उस पीरियड में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कंडीशंस होते हैं, जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या सही है या क्या गलत है, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको मेन है कि अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लोगे, क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो आप आंसर कर दोगे, ठीक है। और आपको कई बार ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन आपने मान लो 2 नंबर या 5 नंबर पे कोई क्वेश्चन है, आपको सेम क्वेश्चन 10 या 12 क्वेश्चन के बाद फिर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन को 2 टाइम वो मतलब थोड़ा सा घुमा करके देते हैं कि मतलब आपका जो ऑप्शन आपने चूज किया है, तो आप अपने ऑप्शन को लेकर के कितना मतलब कि सटीक हो, कहां तक आपका मतलब आप कैसे सोचते हो, क्या थाउट्स है आपके। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि आप ओपीक्यू टेस्ट में फेल कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होते हैं। तो 24 मार्च तक डेट दिया गया है कि 24 मार्च के पहले तक आपको अटेम्प्ट कर लेना है, तो आप अटेम्प्ट कर लेना ओपीक्यू टेस्ट, जो कि आपको मैसेज मिला है। बहुत लोगों को मेल भी मिला होगा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मतलब सबको मेल मिला होगा, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप वो भी देख लेना, अपना ईमेल भी आप चेक कर लेना, और ओपीक्यू टेस्ट आप लोग अटेंड कर लेना, जो कि आपको टेक्स्ट मैसेज में लिखा हुआ है, जो मैं वो बता रहा हूं आपको। सो ऐसा होता है। सो आई होप के ये आपको समझ में आया होगा। तो अब जिन लोगों का नहीं आया है रिजल्ट, वो लोग थोड़ा सा वेट कर लो। उसके बाद इंटरव्यू के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं बता दूं कि जिन लोगों को प्रिपेयर करना या ग्रुप डिस्कशन के रिगार्डिंग, मैंने सेपरेट फोल्डर वहां पे बनाया हुआ है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे, जाओ वहां पर फोल्डर में चेक करो, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप उसे प्रिपेयर कर लो, आई थिंक वो इनफ है। ये मैं बता रहा हूं आपको स्टूडेंट्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग, लास्ट टाइम जो मुझे रिव्यू मिला था तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। बाकी अगर और कुछ ऐसा होगा तो मैं वीडियो जरूर से अपलोड कर दूंगा।
तो आई होप कि जो मैंने आपको बताया वो आपके समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।